नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो रैली आपको लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने आपको 12:45 पर ही बता दिया था। आप देखिए, हमारा अभी जस्ट जो हमने 12:50 पर जो वीडियो अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, 12:00, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझने के अंदर आसानी हो। ये देखिए, ये जो कैंडल है 12:45 के ऊपर इस बॉक्स से निकली। जब ये बॉक्स से निकली तो देखिए दोस्तों, इसने अपना जो ओपनिंग प्राइस था इसको इसने क्रॉस किया था। ये देखिए इसका ओपनिंग प्राइस, ये जो आपको बड़ी सारी रेड कैंडल दिख रही है 9:15 पर बनी थी, तो ये दोस्तों इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये थी 42,470। ये जो ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ से ये इसको क्रॉस करते हुए, ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ इस बॉक्स को निकल गया था। तभी हमने आपको 12:45 पर ये जब क्रॉस कर रहा था, तभी हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि अगर देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये बॉक्स को तोड़ते हुए ऊपर निकलती है और अगली कैंडल तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक करे हमें बाय नहीं कर लेना चाहिए। कई बार ये होता है कि फॉल्स सिग्नल भी होता है, और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। कई बार ये बॉक्स से निकलता है और एक बड़ी सारी रेड कैंडल बना के अंदर की तरफ आ जाता है, और जिससे कि कई छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा जब भी बॉक्स से निकले, ये जो एक फर्स्ट कैंडल है इसको बनने देना चाहिए, पूरी बन जाए उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करिए। लेकिन नेक्स्ट कैंडल बनी, बनकर ये काफ़ी नीचे तक आई, आपने देखा कि बॉक्स के अंदर भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर लेकिन फिर वापस से ऊपर की तरफ जाकर इसने फर्स्ट वाले कैंडल को हाई को ब्रेक करा इस जगह पर 42,504 के ऊपर। तो जैसे इसको ब्रेक करा, यहाँ पर हमें अपनी पोजीशन बनानी थी। उसके बाद आप देखिए, लगातार आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अपने ग्रीन कैंडल पर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसने एक रैली यहाँ पर बनाई है। बीच में एक आध रेड कैंडल ज़रूर बनाई है, और ये लाजमी भी होता है कि लगातार ग्रीन कैंडल नहीं बना सकता, बीच बीच में रेड कैंडल भी बनती है, जिससे कि जो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। जैसे ही बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई, 20-30-40 पॉइंट नीचे आया, वैसे में कई जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, या कई को लॉस भी होता है। हर कोई यहाँ पर बाय नहीं कर लेता, किसी ने मान लो इस ग्रीन कैंडल पे बाय करी होगी तो जैसे ही रेड कैंडल बनी उसने अपना लॉस बुक करके निकल गया। कोई भाई है, उसने यहाँ पर अगर बाय करी है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर यहाँ पर निकल गया होगा। तो इसलिए बीच बीच में रेड कैंडल बनती है कि जो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करें, निकलें, लॉस बुक करें और निकलें। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि 42,653 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 42,800 तक का इसका आज का जो टारगेट है वो है कि 42,800 तक ये पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको अभी 42,800 तक ये पहुंचेगा जहाँ तक हमारा अनुमान है, लेकिन ये 42,000 जब ये आप देख सकते हैं 475 के आसपास था, तभी हमने आपको बता दिया था कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है और आप सी के अंदर बाय करके बैठ सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंस बना के रखिए। मार्केट है, ऊपर नीचे करता है, लगातार आपको लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, लेकिन वो कभी कभी देखने को मिलती है। मार्केट आज काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।